हेलो दोस्तों, वेलकम टू व्हील बीएचपी। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हमारे साथ में क्या है, आज हमारे साथ में है मारुति सुजुकी की ऑल्टो K10। अब ऑल्टो K10 जो है वो काफ़ी टाइम से इंडियन मार्केट में आ रही है और बहुत टाइम से हमने जो है उस प्रोडक्ट को देखा है। ये मारुति सुजुकी का एंट्री लेवल हैचबैक है और इसके अलावा ऑल्टो 800cc में भी आती है। सन 2000 से जो है वो ऑल्टो के 4.3 मिलियन यूनिट्स ऑलरेडी मारुति सुजुकी सेल आउट कर चुकी है और उसके बाद में तो एक माइलस्टोन अचीव करने के बाद में मारुति सुजुकी रियलाइज़ हुआ कि एक नई जनरेशन ऑल्टो K10 यहाँ पे आनी चाहिए और उस नई जनरेशन को एक्सप्लोर करने के लिए हम आ चुके हैं आपके साथ में। और सबसे पहले मैं इसके इंजन बे के अंदर आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंजन सेक्शन में आपको एक 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन दिया गया है। ये बाय द वे नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है एंड ये पुरानी वाली ऑल्टो K10 में भी आया करता था, आपने एस्प्रेसो में भी देखा है, बट इसको ज़्यादा अपग्रेड किया गया है। इट इज़ नाउ मोर रिफाइंड, डुअल जेट डुअल VVT के साथ में अभी आता है, ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो गया एंड फ्यूल एफिशिएंसी के नाम पे 24.9 किलोमीटर पर लीटर का जो है ये फ्यूल अभी क्लेम करती है मारुति सुजुकी। अब इसके साथ में आती है ये जो इंजन है वो तकरीबन प्रोड्यूस करता है 67 BHP की पावर एंड 89 Nm का टॉर्क, काफ़ी अच्छा है। रिफाइंड इंजन होते हैं मारुति सुजुकी के, हम चलाएंगे तो ज़रूर आपके साथ में शेयर करने वाले हैं अपने एक्सपीरियंसेस। तो फिलहाल इसको यहाँ से करते हैं बंद और आपको लेके चलते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल पे। तो दोस्तों जब आप फ्रंट प्रोफाइल देखोगे तो आपको कुछ कुछ अटेंशन टू डिटेल मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको हैलोजन कुछ एलिमेंट्स एड ऑन नज़र यहाँ पे जो है वो हैलोजन एलिमेंट्स जो है वो एड ऑन होते हुए नज़र आ रहे होंगे और साथ ही साथ अगर आप इसको देखो तो काफ़ी क्लीन से एकदम जो है वो हैलोजन के साथ में इंस्पायर्ड ये लैम्प्स हैं। रिफ्लेक्टर यूनिट ही दी गई है बट आपको क्लियर लैम्प एंड एक मेन लैम्प जो है वो ऑफर की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो टर्न इंडिकेटर, इधर अगर आप चलेंगे तो यहाँ पर क्रोम का पार्ट जो है वो एड ऑन किया गया है और नीचे देखें तो बिल्कुल कम्प्लीटली नया डिज़ाइन का जो है वो बम्पर ऑफर किया गया है ब्लैकआउट ट्रीटमेंट के साथ में एंड एक यहाँ पर जो है वो आपको क्रोम का पार्ट ऑफर होता हुआ नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर बाय द वे आपको किसी भी प्रकार का फॉग लैम्प यूनिट नहीं दिया गया है। बाय द वे अगर मैं बताऊं मारुति सुजुकी ने इस गाड़ी को लॉन्च किया है 3.99 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम में, स्टैंडर्ड वेरिएंट LXi, फिर आता है VXi एंड VXi प्लस। अगर आप चाहते हैं तो इसको खरीद सकते हैं AMT में भी, तो दो वेरिएंट्स यानी कि VXi एंड VXi प्लस रखा गया है AMT के लिए। साथ ही साथ एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि कस्टमाइज पैक भी अवेलेबल हैं, एक का नाम है ग्लिंटो एंड द अदर वन इज इम्पैक्टो। तो ये दोनों जो वेरियंट हैं ये कस्टम पैक्स आप इनको कह सकते हो। तो ग्लिंटो जो है वो ज़्यादातर सोफेस्टिकेटेड सा आपको लगेगा, डिज़ाइन जो है वो ओवरऑल चेंज होते हुए नजर आएंगे, सिटी ड्राइव के लिए ज़्यादा रहेगा। इम्पैक्टो ऑन द अदर हैंड जो है वो थोड़ा रफ डिज़ाइन के साथ में थोड़ा मस्कुलर डिज़ाइन जो है वो उसके अंदर आ जाएंगे। चलिए लेके चलते हैं आपको साइड प्रोफाइल में। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ORVM के ऊपर कार्बन फाइबर की जो है वो फिनिशिंग दी गई है। इधर अगर आप देखेंगे तो आपको टर्न इंडिकेटर बिल्कुल पुराने वाला, जैसे आप ऑल्टो पुरानी जनरेशन ऑल्टो में देखते थे, वो भी फेंडर के ऊपर माउंटेड है। नीचे अगर आप चलें तो यहाँ पर भी हेक्सागोनल एलिमेंट्स जो है वो जिसके बारे में मैं बात कर रहा था वो आपको इसके व्हील कैप के ऊपर नज़र आएंगे। 145/60 रेडियल 13 इंचेस के जो है वो ये टायर साइज आपको ऑफर करने वाली है। साथ ही साथ मैकपर्सन स्ट्रट एंड टॉर्शन बीम का जो है वो गजब का कॉम्बिनेशन है। व्हील बेस बढ़ने की वजह से निश्चित तौर पे इंटीरियर जो है वो ज़रूर इसके स्पेस यहाँ पर इम्प्रूव हुई होगी, हम चेक कर लेंगे वो भी, बट उससे पहले आपको ये विंडो लाइन पे थ्रू आउट द विंडो जाती हुई ये क्रोम लाइनिंग दिखाना चाहता हूँ। इसके ऊपर जो है वो रेन वाइजर ज़रूर आप देखेंगे जो कि ऑब्वियसली एडिशनल रहेगा, या तो एसेसरी का पैक या ग्लिंटो का पैक यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए रिवर्स रियर में चलते हैं, वहाँ चेकआउट करते हैं क्या क्या चीज़ें ऑफर की गई हैं। सो दोस्तों हम तो हैं इसकी रियर प्रोफाइल में अभी और यहाँ अगर आप देखें तो एक एक्स्ट्रा ब्लैक एलिमेंट दिया गया है जो थोड़ा रूफ स्पॉइलर का काम करता हुआ नज़र आ रहा है, बट ये परफेक्ट स्पॉइलर इसको नहीं कह सकते, बट ये एलिमेंट आने की वजह से ज़रूर लुक इसके एनहांस हो रहे हैं। यहाँ देखेंगे हाई माउंटेड स्टॉप लैंप और किसी प्रकार के डिफॉगर यूनिट जो है वो नहीं इस्तेमाल किए हैं हमारे सुजुकी ने इस एंट्री लेवल हैचबैक में। यहाँ अगर आप देखें तो ऑल्टो एंड K10 की बैजिंग, इधर सुजुकी का लोगो और नीचे अगेन क्रोम लाइनिंग देखने को नजर आएगी। दो सेंसर्स आपको इधर भी जो है वो ऑफर करती है ऑल्टो K10। अगर मैं बूट को एक्सेस करूं तो यहां से आप देखिए कि पार्शल ट्रे आपको ऑफर की गई है, साथ ही साथ आपके पास में अच्छा खासा बूट मिलता है। ये बूट मुझे ऑल्टो K10 पुराने वाली से ज़्यादा बड़ा लग रहा है एंड इनफैक्ट लोडिंग लिप भी डिसेंट है, तो जब आप सामान रखेंगे और डालेंगे बहुत ज़्यादा मशक्कत नहीं होगी, बढ़ा ज़रूर उठाने में हल्का सा आपको लगेगा कि एफर्ट्स यहाँ पर लग रहे हैं। इंटीरियर चलें दोस्तों, इंटीरियर चेकआउट करें।
तो चलिए दोस्तों इंटीरियर्स ज़रा चेक करते हैं। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये इंटीरियर्स बिल्कुल नए आपको देखने को नज़र आएंगे। लेदरी टच इसके ऊपर दिया गया, बट ये ऑब्वियसली एसेसरी का पार्ट है, टच है, कोई ऐसा फैब्रिक जो है वो इस्तेमाल जो किया गया वो प्रॉपर लेदरेट नहीं है। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है वो कंट्रोल्स दिए गए हैं, अलग अलग जो इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल्स हैं। ये कॉल पिकअप एंड ड्रॉप एंड वॉइस असिस्ट के कंट्रोल्स हैं। स्टेयरिंग व्हील ओवरऑल नया देने की वजह से अब ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप चेक करें इस 7 इंचेस के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम को, तो यहाँ पर भी आपको जो है वो अब एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स आ गए हैं। इनफैक्ट सराउंड क्वालिटी बढ़ाने के लिए 4 स्पीकर्स जो हैं वो डोर पैनल्स पर ऑफर कर दिए गए हैं। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट्स ऑफ विंडो पैनल और यहाँ पे हैजार्ड लैंप दिए गए हैं। साथ ही अगर आप इस तरफ देखें तो एसी के कंट्रोल्स ऑफर किए गए हैं। 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई, यूएसबी एंड ऑक्स स्लॉट दिया गया है। जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो पुरानी K10 से मुझे ज़्यादा बेटर अब लग रही है। कुछ इस तरीके का ग्लव बॉक्स, डिसेंट साइज, अच्छा खासा आप इसमें सामान रख सकते हैं। और इस तरफ अगर आप देखें तो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ज़रूर आप देखेंगे, ये कम्प्लीटली डिजिटल कर दिया गया है अब। और डिजिटल होने की वजह से प्रसाइजनेस ज़रूर आ जाती है, थोड़े एरर की जो आशंका होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो चलिए दोस्तों ज़रा बात कर लेते हैं यहाँ पर यूज़ होने वाली सीट्स की। तो जो सीट्स हैं उनको ज़्यादा ब्रॉड कर दिया गया है अब। ऑल दो ये प्रॉपर टक शेप्ड तो नहीं है, बट हाँ मुझे काफ़ी हद तक ये इस वाले पोर्शन से ग्रैब ज़रूर कर ले रही हैं, तो वो चीज़ ज़रूर है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता है सैडली आपको, और वो चीज़ की ज़रूर कमी रहेगी। बट रियर रो में ज़रा चेक करते हैं वहाँ कितना स्पेस है। सो दोस्तों हम लोग फिलहाल हैं इसकी सेकंड रो में। यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको बदलाव होता हुआ नज़र आएगा, जैसे कि हेडरेस्ट जो हेडरूम जो है वो थोड़ा सा बेटर हो गया है अब। 5 फुट 10 इंच मेरी हाइट है, उस लिहाज से ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। यहाँ अगर आप देखेंगे ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे मिलता है, साथ ही साथ अंडर थाई सपोर्ट जो है वो ज़रूर इम्प्रूव हुआ है। शोल्डर रूम में भी कोई ऐसा कमी वगैरह तो नज़र नहीं आ रही है। नी रूम एंड लेग रूम इसकी ज़रूर मैं तारीफ़ करूँगा, क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर हुए हैं। जब आप फैमिली के लिए या न्यूक्लियर फैमिली के लिए कुछ ऐसी एंट्री लेवल गाड़ियाँ खरीदते हैं तो आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिल जाए, एंड दिस इज़ द रीज़न वाई वैगनआर सेल्स सो ईजिली। उसके अंदर स्पेस की कमी नहीं है और पैसा आपको जो है वो एक मिड लेवल या एंट्री लेवल हैचबैक का देना होता है, तो वही चीज़ इसके साथ में भी है। ऑल दो वैगनआर जितना तो स्पेस नहीं है, बट जो पुराने वाली ऑल्टो K10 थी उससे ज़्यादा ये ज़रूर बेहतर स्पेस के मामले में लगती है। प्रैक्टिकल हो गई है ज़्यादा स्पेस, स्टोरेज स्पेस आप छोटी छोटी जगह जो है वो देखोगे। यहाँ पर SH हाइट को लेके भी मुझे कुछ ज़्यादा इशू नहीं है, बट अगर आपकी हाइट 6 फुट के करीब हुई तो रियर रो जो है वो थोड़ा सा पैक्ड आपके लिए यहाँ पे महसूस होगी। ओवरऑल इट इज़ अ नाइस कार, यू कैन ऑब्वियसली ऑप्ट दिस कार। जल्दी हम लोग इसको ड्राइव रिव्यू जो है वो लेके आएंगे। आप तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहें और जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, हिट दैट बेल आइकन, नोटिफिकेशन बेल जल्दी से दबा के अपना काम फिनिश कीजिए। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।